अब मैं लेता हूं इस ऑसम छोले भटूरे के मजे, आप लीजिए हमारे वीडियो के मजे।
तो आज बन गए भाई छोले भटूरे। कौन कौन है छोले भटूरे के फैन, आ जाओ। ये क्या फूले फूले भटूरे बनाए हैं मेरी सैनी ने, देखो मैं इनको पिचका देता हूं जरा। ये भटूरा यार देखो ये क्या गजब, और इसमें कोई ऑयल ही नहीं है, हाथ में लग नहीं रहा है कुछ। ये तो जितना गजब ये दिख रहा है, मेरा मन कर रहा है कि पहले मैं इसको ही खा लूं अकेले, बट मैं बाद में खाऊंगा, पहले मैं छोले के साथ ही ट्राई करता हूं। ये आ गई जी छोले, और ये आ गए इसके ऊपर प्याज। तो चलिए खाते हैं। जन्नत लाजवाब, मजा आ गया। ये बहुत टेस्टी बने हैं छोले, तो टेस्टी हैं ही, भटूरा इतना टेस्टी है कि मजा ही आ गया। वाह, अब मैं एक केवल भटूरा टेस्ट करूंगा एक बार। ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट, इट्स मेल्टिंग इनसाइड, मजा आ गया। मैं कह रहा था ना देखो फूले फूले भटूरे बनाए हैं, देखो कितने फूले हुए हैं भटूरे। और मजे की बात है कि इनमें ऑयल नाम की चीज नहीं है, कोई सा भी भटूरा आप उठा के देख लो आगे पीछे। और ये हमने इसको टिश्यू पेपर से इसका ऑयल सोक भी नहीं किया है, उसके बावजूद ये इतना बढ़िया है। और ये ना एक बार मैंने हल्दीराम्स में खाए थे, तो वहाँ ऐसे भटूरे देखे थे मैंने जिनमें ऑयल नहीं होता है, वरना जनरली आप बाहर कहीं भी खाओ तो आपको इतना ऑयल इस पर मिलेगा कि आपके हाथों में लग जाता है सब, पर यहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ पे वो भटूरे थे, मैंने सोनी को बोला भी था यार ऐसे भटूरे कैसे बन सकते हैं, तो हमें तब लगा था कि हो सकता है वो लोग टिश्यू डैप करते होंगे उसके ऊपर, तो उसकी वजह से ऑयल सारा निकल जाता होगा। बट आज पता चला कि वो कैसे बनता है, वो बनाया जा सकता है घर पे भी। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस रेसिपी को ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप बहुत भगा भगा के यहाँ पहुँच गए ना, तो वापस जाइए और रेसिपी देखिए अच्छे से, और ये बताइए कि हल्दीराम्स के छोले भटूरे किस किस ने खाए हैं, कमेंट करिए। वाह लाजवाब, अच्छा। हल्दीराम के अलावा देखिए मैंने तो हल्दीराम्स में ही खाए ऐसे, अगर आपने कहीं और भी खाए हैं ना तो कमेंट में या तो वो ब्रांड का नाम या वो जगह का नाम जरूर मेंशन करिएगा। अच्छा मैंने सुना है दिल्ली वालों को छोले भटूरे बहुत पसंद है, कितने दिल्ली वाले हैं जो हमें देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं,
तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बाकी वीडियोस को भी चेक करना भूलिएगा नहीं। और हाँ, वीडियो अगर हमारे पसंद आ रहे हो तो आपको करना है लाइक। तो चलिए, अब मैं लेता हूं इस ऑसम छोले भटूरे के मजे, आप लीजिए हमारे वीडियो के मजे। स्वाद आ गया जिंदगी का, वाह। अच्छा देखो, मैंने कई बार ना छोले भटूरे बहुत खाए हैं मैंने, तो होता क्या है जब हम भटूरे को ऐसे करते हैं ना तो स्ट्रेच होता है, ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका डो इतना बढ़िया था ना, ये देखिए आपको लग रहा होगा ये ब्रेड की तरह, या आप बन को बीच में से फाड़ दें तो वो ऐसा ही लगता है, तो ये वैसा ही है बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल नेट दिख रही है। ये होता क्या है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको और जगह मैंने कई जगह देखा है, जो मतलब कॉमनली देखा है मैंने भटूरों में, वो एक तो खींचते हैं और जब हम उनको खाते हैं ना तो वो रबर से लगते हैं चबाने में, जबकि ये जैसा मैंने बोला कि ये मेल्ट हो जा रहा है मुंह में। मैंने इनको बिना छोलों के भी खा सकता हूँ, ये इतने स्वादिष्ट हो रहे हैं। बहुत बढ़िया।